सो हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप अपने NVR के अंदर RAID को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मेरे पे एक धौआ का NVR है, 8 TB की मेरे पास 4 हार्ड डिस्क हैं। तो सबसे मैं स्टोरेज वाले ऑप्शन में गया, RAID वाले ऑप्शन में गया। यहाँ पर देखिएगा, 4 मुझे हार्ड डिस्क मिल रही हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ पर RAID 5 बना सकता हूँ, RAID 5 से ऊपर बना सकता हूँ, क्योंकि RAID 5 के लिए मिनिमम 3 हार्ड डिस्क की नीड होती है। तो जनरली लोग RAID 5 बनाते हैं। तो मैंने सारी हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर ली। अब नीचे आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे होंगे। सब सेकंड वाले ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक करके RAID 5 को कॉन्फ़िगर करूँगा। अब हम RAID 5 क्यों बना रहे हैं? इन केस यदि मेरी कोई एक हार्ड डिस्क खराब हो जाती है तो RAID 5 में क्या होगा कि मैं उस हार्ड डिस्क को चेंज कर दूंगा, तो मेरा कोई भी बैकअप का इश्यू नहीं आएगा। सिमिलर क्या होगा कि यदि RAID 6 बनाता हूँ तो 2 हार्ड डिस्क ऑक्यूपाई हो जाएंगी, और 2 हार्ड डिस्क से मैं यदि एक हार्ड डिस्क खराब होती है, 2 हार्ड डिस्क खराब होती है, तो एट ए टाइम मैं ईजिली उसको लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने RAID 5 बना लिया है। अब क्या होगा कि 8 TB की मेरे पास 4 हार्ड डिस्क है, तो आप 8x4 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो स्पेस आएगा उसमें से एक हार्ड डिस्क आप माइनस कर दीजिएगा, तो ऑन अराउंड 21 TB के आसपास आपका स्पेस आफ्टर RAID क्रिएट हो जाएगा। तो ये RAID मेरा क्रिएट हो रहा है, मैंने इसको क्लिक कर दिया था। अब देखिएगा नीचे ऊपर यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और उस कर्सर के बाद देखिएगा यहाँ पर जो टोटल स्पेस आया है वो 21 TB के अराउंड में आया है। दैट मीन्स मेरा RAID यहाँ पर कन्फिगर हो गया है। ठीक है, अब इसको रीवेरीफाई करना है कि भाई RAID मेरा बना है कि नहीं बना। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और डबल क्लिक करना होगा जहाँ पर मेरा RAID बना है। अभी एक्टिव स्टेटस दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चारों हार्ड डिस्क मेरी एक्टिव मोड में दिखा रही हैं, सिंक स्टेट में दिखा रही है। दैट मीन्स मेरा RAID सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब कोई भी मेरा बैकअप कॉपी होगा उन चारों हार्ड डिस्क में कॉपी होगा, जिसमें से एक मेरी मिरर बन गई है। इनकेस कोई भी, मतलब सारी हार्ड डिस्क एक दूसरे की मिरर है, बट यह है कि उसमें से कुछ कुछ परसेंटेज स्पेस निकलने के बाद वो एक हार्ड डिस्क का स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है RAID 5 में। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होती। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।